लॉ के बारे में बताया कि जो हमारा जाय है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर भी हम लोग इसके लिए डिफाइन करते हैं फिर, तो वो क्या चीज़ है। तो क्यूरीज टेम्परेचर देखो, अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें ये बात समझ लिया कि हाँ, कोई भी अगर मटेरियल है, जैसे कि हमारा फेरोमैग्नेट है या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। और वो जो डाइपोल्स होते हैं किसके कारण से आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन के कारण से, ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन के कारण से, स्पिन के कारण से, है ना। तो मोमेंटम आ गया हमारा, और मोमेंटम अलग चीज़ है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इसमें, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है और हमारा इसमें पैरामैग्नेटिक, दोनों में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में हमारा कोई क्लस्टर या फिर डोमेन नाम का चीज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेट में, तो उसमें डोमेन होता है, कुछ इस तरीके से डोमेन बना हुआ था, और इस तरीके से डोमेन बना हुआ होता है, और इसके अंदर जितने भी सारे एटम्स हैं उसके डायपोल्स सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है, लेकिन हर एक डोमेन रैंडमली अरेंज्ड होता है, जिसके कारण से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये एक फेरोमैग्नेट है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इसमें सारे डोमेन्स इस तरीके से अरेंज्ड है। अब मैंने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने का मतलब क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। तो अगर इसका मैं टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, सोचो जरा सा। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, उसकी तुमने एनर्जी बढ़ा दी, और उसके कारण से ये इतना इनफ एनर्जी गेन कर जाए कि ये जो डोमेन्स या फिर जो क्लस्टर के फॉर्म में सेपरेटेड था बाउंड्रीज, वो सेचुरेट हो जाएगा। मतलब कि उसका जो भी इस तरफ और इस तरफ दोनों जो बाउंड्री सेपरेशन के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट था, वो अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा करके दे दिया, जिसके कारण से ये डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, डोमेन विल कोलैप्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी गेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और अगर इसने एनर्जी गेन किया और ये डोमेन कोलैप्स कर गया, तो एक सिंपल एटम की तरह बन गया और सिंपल अरेंजमेंट के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये जो फेरोमैग्नेट था अब हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। और पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, एटम्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, और ये जो होता है वीकली अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, और ये क्या करता है, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट करता है। तो तुमने डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और डोमेन डिस्ट्रॉय होने के कारण से ये जो है अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये सारा चीज हो गया, ये जो डिस्ट्रॉय हो गया, उस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं। तो किस तरीके से हम लोग बोलेंगे, द टेम्परेचर अबव विच, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, द टेम्परेचर अबव विच, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, बिकम्स पैरामैग्नेटिक, बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर।
और क्यूरियस टेम्परेचर। तो ये है हमारा क्यूरियस टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वो क्यूरियस टेम्परेचर डिफाइन होगा, है ना। हालांकि अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि मैं फॉर एन एग्जाम्पल बताता हूँ, 770 डिग्री सेल्सियस है तुम्हारा आयरन के लिए, और निकल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर मैं इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर तक लेकर के जाऊंगा तो मेरा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरा में कन्वर्ट हो चुका है सिर्फ आयरन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्यूरियस टेम्परेचर। कहीं कहीं पे तुम्हें फॉर्मूले भी मिलेंगे क्यूरियस टेम्परेचर वगैरह के, लेकिन वो अभी इम्पॉर्टेंट है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं हिस्टेरेसिस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से समझना है तुम लोग को। हिस्टेरेसिस और हिस्टेरेसिस लॉस, लॉस कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले देखते हैं हिस्टेरेसिस होता क्या चीज़। लेट से कि मेरे पास एक सोलिनोइड है, और सोलिनोइड हम लोग कैसे बनाते हैं, सिंपल सा वायर को इस तरीके से रैप कर देते हैं, है ना, सिलेंडर के फॉर्म में बन जाएगा। तो उसके अंदर कोर डालना पड़ता है, कोर मटेरियल, मतलब कि किसी के ऊपर तो रैप करेंगे बराबर। तो लेट से मैंने एक कोर मटेरियल लिया है, और ये कोर मटेरियल कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग को पता नहीं है क्या ये निकल है या आयरन है या फिर स्टील है, क्या है मुझे नहीं पता, अभी बस मैं बता रहा हूँ। और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से रैपिंग कर दिया है वायर से, तो ढेर सारे वायर्स हैं। और ऑफ कोर्स हम लोग इसमें अब करंट फ्लो कराएंगे, हमारा काम ही यही है, और इसमें हम लोग कराने वाले हैं अभी करंट फ्लो। तो अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो किया तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर करंट इधर से फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने के कारण से सबसे पहले लूप में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, है ना। ये तुम्हारा कोर, कोर अगर नहीं होता तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता, ऐसा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको मैं वी नॉट बोलता हूँ। लेकिन हमें पता है कि जैसे ही मैं कोई भी एक सब्सटेंस, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस हो या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, उस सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, तो जितने भी सारे उसके अंदर के डायपोल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। पहले कैसे होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, है ना। अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा या फिर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर इसके कैसे होंगे डायपोल्स, इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, रैंडमली अरेंज्ड होंगे ऐसा। लेकिन जैसे ही मैंने अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाला, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालते के साथ ही ये सारे धीरे धीरे अलाइन होने लग जाएंगे। ये क्या करने लग जाएंगे, ये डायपोल्स जो ऐसे थे वो रोटेट करने लग जाएगा। अब देखो कितने एटम्स के मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट रोटेट होकर के इस डायरेक्शन में आते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है ना। तो स्टार्टिंग में क्या मैंने करा है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत कम रखा है, और वो कैसे रखा जा सकता है कम, करंट से। तो करंट को मैं धीरे धीरे इंक्रीज करा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं करंट को इंक्रीज कराते जाऊंगा तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या बोला था मैंने, याद है क्या, बोलो मैग्नेटाइजेशन क्या बोला था। हैमलेट बाय वॉल्यूम। हाँ हाँ मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से डिनोट किया था, और वो था हमारा सर, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ये था। तो यहाँ पे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, जीरो।
लेकिन अब इस जगह पे तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है। अब ये फर्स्ट था, अब मैंने क्या किया और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करा। इस बार ये जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था इसको और इंक्रीज किया, तो इसके अंदर जितने भी डाइपोल्स रोटेट नहीं हुए होंगे वो और ज्यादा रोटेट होने लग जाएंगे, और ज्यादा रोटेट होने लग जाएंगे, और जब मैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड डाल दूंगा तो सारे के सारे रोटेट करके बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और इस इंस्टेंट पे जो हमारा एम होगा, स्मॉल एम की बात कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक मोमेंट, वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। दिस विल बी मैक्सिमम। तो तुमने एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अप्लाई किया जिसपे कि हमारा नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, हमारा मैक्सिमम हो गया। और वो मैक्सिमम होने के बाद फिर मैं बोल सकता हूँ कि इस मोमेंट पे मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा तो इसके कारण से तुम बोल सकते हो इसका एच ज्यादा होगा, और इसके कारण से तुम बोल सकते हो कि जो मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाता है वो डायपोल्स ही बढ़ाते हैं। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो तुमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया और इसको रोटेट कराना स्टार्ट किया। कम स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड था तो कम रोटेट कराया, ज्यादा स्ट्रेंथ का था ज्यादा रोटेट कराया, और बहुत ज्यादा मैक्सिमम कर दिया, एक बहुत ही पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर लिया, तो ये पूरा ही रोटेट करा देगा। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से केसेस मैंने दिखा दिए। ठीक है, अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है, और ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्राफ है ये दो के बीच में ग्राफ है, मान लो कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा गया है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक नीचे लिख लेता हूँ मैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इज प्लेस्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसको एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा गया है जिसका कि स्ट्रेंथ मैं बढ़ा सकता हूँ घटा सकता हूँ, है ना? हुज स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। मतलब कि यूं मान लो कि ये जो क्वाइल हमने लिया था, इस क्वाइल में मैं करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता हूँ घटा सकता हूँ, इवन डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस करंट को तुम ध्यान से देखो, यहाँ मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जैसे ही मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो पहले तो स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन कितना है, जीरो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और स्टार्टिंग में तुमने जस्ट इसको करंट से कंपेयर करना, सेम एज करंट। ठीक है, हालांकि करंट है नहीं, मैं तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि हाँ ये करंट की तरह समझना। तुम करंट को बढ़ाओगे तो क्या होगा, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, कॉइल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड।
और कॉइल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो जो भी डायपोल्स हैं रोटेट नहीं हुए उसको और ज़्यादा रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो स्टार्टिंग में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ऐसा जाएगा, और एक पर्टिकुलर मैक्सिमम तुम एच का अप्लाई करोगे या फिर करंट अप्लाई करोगे तो उस पे क्या हो जाएगा, सारे डायपोल्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको मैं अभी सिंपल सा एच नॉट बोल देता हूँ, ये एच नॉट वैल्यू पे मैक्सिमम हो गया। और फिर ये एक मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रीच कर चुका है, उससे ज्यादा ये रीच नहीं कर सकता, दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट। इससे ज्यादा रीच नहीं कर सकता, तुम एच को बढ़ा दो कोई बात नहीं, ये स्ट्रेट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो अब मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा ना, जितना एम मिलना था मिल गया। अब मैंने क्या करा, धीरे धीरे करके इस करंट के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, ठीक है। पहले क्या था, बढ़ाया मैंने, कितना 0 से लेकर के इसको 10 एम्पियर तक कर दिया लेट से। उसके बाद फिर अब 10 एम्पियर से मैं 0 एम्पियर तरफ जा रहा हूँ, तो 10 एम्पियर से 0 एम्पियर की तरफ जाऊंगा तो धीरे धीरे करके ये डिक्रीज होने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं करंट को बिल्कुल ही 0 कर दूंगा, म्यूट कर लो, किसी ने साउंड ऑन रखा है, माइक ऑन रखा है, और म्यूट कर लो, तो जिस समय मैं बिल्कुल करंट 0 कर दूंगा, जिस समय मैं बिल्कुल करंट 0 कर दूंगा, थोड़ा सा सोच के बताओ, जब मैं बिल्कुल ही करंट 0 कर दूंगा तो क्या सारे के सारे ये जो डायपोल्स थे वापस से इस फैशन में आ जाएंगे क्या? एग्जैक्टली सारे के सारे, क्योंकि अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स का आपस में टक्कर होता है, रोटेट कराने में मेहनत हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो ये सारे के सारे रोटेट करके बिल्कुल अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल नेट मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा। तो इसीलिए तुमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग जो भी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो तुमने 0 कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इसका भी नाम है। तो अब क्या किया तुमने, इसको 0 करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो करेगा, ये जो कोर था तुमने अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ताकि जो भी एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ था, ताकि तुम इस डायरेक्शन में फील्ड कर दोगे तो वो डायपोल्स रोटेट कर जाएंगे और उसके कारण से इसका मैग्नेटाइजिंग, ये मैग्नेटाइजेशन जो भी इंटेंसिटी ऑफ एम या फिर डायपोल की बात कर रहा हूँ वो 0 हो जाए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया तो तुम्हारा एम भी 0 हो जाएगा, कैपिटल एम 0 हो जाएगा। तो इसको मैं धीरे धीरे करके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया और फाइनली इस जगह पे जा करके 0 हुआ, जिस तरीके से तुमने फिर से अब करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो अब क्या करेगा, ये जो डायपोल्स इस डायरेक्शन में रोटेटेड थे अब पूरा इस डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा, और जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएंगे तो सारे के सारे डायपोल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, तो अब हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है। फिर से वही बात, मैं एक मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जा सकता हूँ, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सेचुरेट कर जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका सेचुरेशन आ जाएगा, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू तक रीच हो गया। उसके बाद फिर क्या करा मैंने, फिर से वही काम करा कि करंट के मैग्नीट्यूड को मैंने 0 से लेकर के नेगेटिव में लेके गया, अब नेगेटिव से मैं वापस से 0 तक लेकर के जाऊंगा, तो एग्जैक्टली वही फेनोमेना होगा, ये सारा का सारा
जो डायपोल्स इस डायरेक्शन में आया था, अब वो सारा का सारा जीरो नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ उसका नेट इस डायरेक्शन में रह जाएगा। हमें तो जीरो करना है, तो वापस से तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में सेटअप करो ताकि वो जीरो हो पाए। तो इस लोकेशन पे क्या हुआ, जीरो। और फिर अब मैं करंट को जीरो से लेकर के 10 की तरफ लेकर के जाऊंगा, तो ये ऐसा कर्व बनेगा। और अब तुम करंट को इस तरीके से SHM काइंड ऑफ कराते रहो, ऑसिलेशन काइंड ऑफ कराते रहो, तो तुम्हारा ये क्या होगा, ये लूप इस तरीके से तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा और इस तरीके से ये काम होते रहेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ चलो अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ कुछ बिल्कुल। नाम है, उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको हिस्टेरेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लैग हो रहा है, जैसे मैंने करंट को जीरो किया, उसी इंस्टेंट पे हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ है, जबकि थोड़ा सा लैग है ना, होना चाहिए था एग्जैक्टली ये वाला जीरो, लेकिन लैग हुआ और इसी कारण से इसको हिस्टेरेसिस बोला जाता है। ठीक है। और देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसी भी मटेरियल का इस लोकेशन पे जीरो नहीं हुआ है, लेकिन तुमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इस पोजीशन को रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल कहा जाता है। सो दिस फेनोमेना इज बेसिकली कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। और ये रिटेंटिविटी जो है वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि कौन सा मटेरियल अच्छा होगा हमारे लिए, अगर सोचो अच्छे तरीके से, जिसका रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। ऑफकोर्स कम कम होना चाहिए, है ना? कम क्यों क्यों कम होना चाहिए? अगर कम रहेगा तो जैसे ही तुम करंट को जीरो करोगे, वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देगा, अचानक तुरंत जीरो कर देगा, और जीरो कर देगा तो फिर वो, जीरो कर हाँ, फिर वो मैग्नेट नहीं रहेगा। हमें तो ऐसा ही चाहिए होता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे दिया। नीचे जा करके। तो ये हमें समझ में आ गया कि हाँ, ये क्या है हमारा, रिटेंटिविटी है, इसको मैं लिख लेता हूँ, रिटेंटिविटी। और ये लोकेशन क्या है, जब मैंने रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड को लगाया, क्यों लगाया, ताकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, तो इसे कहा जाता है कोरेसिविटी ऑफ द मटेरियल। एक क्या मिनट लिख दे रहा हूं। कोएसिविटी, COERCIVITY, ऑफ द मटेरियल। स्पेल कैसे करते हैं? कोएसिविटी, अब देखो इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी, तो रिटेंटिविटी हमारा क्या है बोलो, अभी जस्ट बताया। इंटेंसिटी द वैल्यू, हाँ, कम इट इज, इंटेंसिटी कम होता है। हाँ, इट इज द अमाउंट ऑफ द
मैग्नेटाइजेशन। ऑफ एनी मटेरियल व्हेन द मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम की बात हो रही है, व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैपिटल एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या था कैपिटल एच इज रिड्यूस टू जीरो, इज रिड्यूस टू जीरो, इज कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। हाँ रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल, और द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड सो डैट सच डैट क्या मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाना चाहिए, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल बिकम्स जीरो। ऑफ द मैटेरियल परसिविटी। तो ये चीज हमारा हो गया। इसमें कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग समझना चाहते हैं कि हिस्टेरेसिस जो है वो हिस्टेरेसिस है क्या चीज। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा कि अगर मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, एक ही डायपोल को हम लोग समझते हैं, ढेर सारे डायपोल से कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही डायपोल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तुमने मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या रखा था, जीरो। अब क्या कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, तुमने बढ़ा दिया नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या कर जाएगा, रोटेट रोटेट, लेकिन पूरा का पूरा नहीं करेगा, थोड़ा सा अभी भी बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी तुमने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम अप्लाई नहीं किया। अब थर्ड केस में क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा अप्लाई कर लिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिया, डायरेक्शन हम लोग इधर रेज्यूम कर रहे हैं अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने इस डायरेक्शन में सबसे मैक्सिमम लगा दिया, तो ये क्या हो जाएंगे डायपोल्स, पूरा रोटेट हो जाएगा, और इस समय जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। अब तुमने क्या किया, घटाना स्टार्ट किया, क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड को घटाना स्टार्ट किया, और मैग्नेटिक फील्ड तुमने जैसे ही घटाया तो लेट से डेट ये बी नॉट है एंड दिस बी इज लेस देन बी नॉट, इसी डायरेक्शन में, तो वापस से अब ये क्या करेगा, रोटेट करके अपने पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, और इसका पोजीशन मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए ऐसा। तो अब इसको वापस से अगर रोटेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड तुम हटा दियो, लेकिन ये रोटेट जो करेगा वो उतना रोटेट नहीं कर पाएगा, और फिर से तुमने मैग्नेटिक फील्ड को अब क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कम्प्लीटली जीरो कर दिया तुमने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ फिर भी
ये अपने लोकेशन तक तो नहीं आ पाया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि पहले यहाँ पे जो था नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, लेकिन तुमने अब मैग्नेटिक फील्ड वापस से जीरो किया तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है। और भी तो एटम्स वगैरह मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे ना, तो उसको तुमको जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए तुमने क्या किया, अब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, लेट से बी अप्लाई किया है विच इज लेस देन द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या हो जाएगा, ये वापस से इस लोकेशन पे आ जाएगा, मतलब अब जो है वो नेट जीरो होगा, बी एम नेट। तो ये दो लोकेशन कहलाता है, एक रिटेंटिविटी और कोहेसिविटी। नेक्स्ट हम लोग और ज्यादा इसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किए और बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया ताकि वो कंप्लीटली रोटेट कर जाए मैक्सिमम के बराबर, और ये कंप्लीटली इस डायरेक्शन में रोटेट कर चुका है। तो इतना जो प्रोसेस हुआ, मॉलिक्यूल को तुमने रोटेट कर दिया है ना, एटम्स होगा या फिर मॉलिक्यूल जो भी चीज होंगे उसको तुमने कंप्लीटली ऐसे था और इसको ऐसा रोटेट कर दिया, कंप्लीटली 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने में भी तो एनर्जी लगा है, अंदर मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे तो सभी एक दूसरे से कोलिजन कर रहे होंगे, वाइब्रेशन कर रहे होंगे, तो तुमने उसके पोजीशन को चेंज करा तो इसका एनर्जी बेसिकली क्या हो गया, बढ़ गया या फिर कंज्यूम किया, और जिसके कारण से ये हीट में कन्वर्ट करा देगा। इसका मतलब तुमने जो कोर लिया था उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करा दिया, हीट अप कर दिया, कॉइल्स वगैरह रैप किए हुए थे, और तुमने इसको इतना बार करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराया, तो उसके कारण से कभी ये इस डायरेक्शन में जा रहा था मैग्नेटिक मोमेंट, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा था, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, और ये बहुत बार हुआ। ये एक दो बार नहीं, ये लाखों टाइम होता है, जिसके कारण से ये कोर मटेरियल हीट अप हो जाता है। तो हीट अप हो गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना हीट अप हुआ, तो इसके अंदर का जो एरिया है ना वो इस बात को डिनोट करता है कि तुम्हारा एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। हाँ सर, यस सर, तो ये जो हिस्टेरेसिस मैंने डायग्राम बनाया, हिस्टेरेसिस लूप, इस हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया होता है ये इस बात को डिनोट करता है कि तुम्हारा एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा। सो एरिया तो एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप, लूप इज इक्वल्स टू द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है वो तो हीट में जाने वाला है, तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है कि एनर्जी एब्सॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी एब्सॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो कि इस रॉड को तुमने पानी के अंदर डुबो के रखा है और फिर ये काम तुम कर रहे हो, कभी करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हो, कभी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण से ये हिस्टेरेसिस का लूप फॉर्म हुआ और हिस्टेरेसिस लॉस हुआ। और ये जो लॉस है वो पानी जो है अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज किया, वो जो हीट है या फिर एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा वो इसके बराबर होगा। हम लोग आराम से इसमें बता सकते हैं, समझ में आया क्या। एक हाँ सर, हाँ कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं,
कंप्लीट साइकिल। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज हिस्टेरेसिस लॉस, ये जो अभी हम लोगों ने देखा, दिस इज हिस्टेरेसिस लॉस। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, इस करंट के डायरेक्शन को तुम बहुत बार रिवर्स कर रहे हो, बहुत बार ऐसे, क्योंकि हम लोग जो कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, वो करंट कौन सा होता है? एसी सप्लाई। और एसी सप्लाई में लिखा होता है, अगर तुमने ध्यान दिया होगा, 220 वोल्ट सप्लाई विथ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि ये 50 बार नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड होता है ना, तो 50 ऑसिलेशन करेगा 1 सेकंड में। और 50 ऑसिलेशन 1 सेकंड में करेगा, तो तुम सोच सकते हो कि करंट जो है वो कितने बार 1 सेकंड में ऊपर चला गया और 1 सेकंड में नीचे चला गया। इस तरीके से तुम 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 1 घंटे में सोच सकते हो कितनी बार करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, जिसके कारण से इसका डायपोल्स के डायरेक्शन चेंज हुए और ये फिर हीट अप हुआ। क्लियर है क्या बात? हाँ तो चलो अब हम लोग दो मटेरियल को लेकर के इसको कंपेयर करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को, जो काफी ज्यादा फेमस मटेरियल जैसे कि स्टील है और एक सॉफ्ट आयरन है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। सर, आपका वॉइस जरा ब्रेक हो रहा है। तो पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ और फिर लोग हिस्टोरेसिस लूप बना लेते हैं, फिर उसमें समझते हैं, और फिर हम लोग कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले मैं स्टील का बना रहा हूँ, स्टील का कुछ ऐसा होता है, और एक से तो पता नहीं चलेगा, एक आयरन का भी बनाना पड़ेगा, आयरन का कुछ ऐसा है। ये मतलब कम नहीं होगा, बड़ा ही हो सकता है, कम तो नहीं होगा, थोड़ा सा उसको ना, एरिया ज़्यादा है इसका, एरिया होना चाहिए कम है। ऐसा तो ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये तुम्हारा सॉफ्ट आयरन का, और ये जो ब्लू से बनाया है, ये तुम्हारा स्टील का।
तो दोनों में क्या तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है? एक-एक करके हम दोनों लोग। का एरिया एरिया किसका ज्यादा लग रहा है तुम्हें? स्टील का, स्टील का ज्यादा है, और स्टील का एरिया ज्यादा होगा तो उसके कारण से उसका एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। बातें समझ में आई क्या? तो एक एक करके पॉइंट लिख लेता हूँ मैं। एरिया ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन द एरिया ऑफ स्टील। दैट मीन्स जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी ग्रेटर फॉर स्टील। ये चीज और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग भी का सेकंड। पहला चीज तो ये पता चल गया। दूसरा क्या है इसका? अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसमें है? आयरन वाले में। इससे फायदा क्या होगा कि अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज बी नॉट प्लस ऑफ बी एम। ये क्या होगा? ज्यादा। स्टील वाले केस में होगा कम, और सॉफ्ट आयरन के केस में क्या हो जाएगा? ज्यादा। सेम करंट के लिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन आयरन हैव मोर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैव मोर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देन स्टील। एक बात पता चल। तीसरा रिटेंटिविटी किसका ज्यादा है बोलो? हाँ सॉफ्ट आयरन को है ना, इसे ही तो रिटेंटिविटी बोलते हैं। सो दिस इज रिटेंटिविटी। तो ये रिटेंटिविटी और ये रिटेंटिविटी, आयर सॉफ्ट आयरन का ज्यादा है और स्टील का कम है। रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन स्टील। नेक्स्ट इस वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। ये वाला वैल्यू फोर्सिबिलिटी किसका ज्यादा स्टील है? स्टील का। फोर्सिबिलिटी इज फोर्सिबिलिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन सॉफ्ट आयरन। ये चीज तो ये फायदा है या नुकसान है? फोर्सिबिलिटी ज्यादा है तो उससे क्या हो जाएगा? तुम्हें अगर इसके मैग्नेटाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो मुझे ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डालना पड़ेगा, मतलब इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा डालना पड़ेगा, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डालूं
और वो डीमैग्नेटाइज हो जाए तुरंत। अच्छा क्योंकि देखो हर एक चीज का अपना अलग अलग फायदा है, अलग अलग नुकसान है। ऐसा नहीं कि कोर्सिविटी ज्यादा होना मटेरियल खराब होना के बराबर, नहीं, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि तुम क्या बना रहे हो, टेम्पररी बना रहे हो फिर परमानेंट मैग्नेट बना रहे हो, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग वही चीज देखने जा रहे हैं कि हम लोग परमानेंट मैग्नेट के लिए देखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए देखेंगे। बोलो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सुटेबल है परमानेंट मैग्नेट के लिए, सॉफ्ट आयरन या फिर स्टील? स्टील। स्टील है ना, हाँ सर। स्टील इज बेटर देन सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि मुझे इसके लिए क्या चाहिए, हाई, ऐसा नहीं कि एक बार तुमने उसको मैग्नेटाइज कर दिया तो डीमैग्नेटाइज हो जाए तुरंत, नहीं, वो ज्यादा देर तक मैग्नेटाइज होकर के रहे, बराबर है। उसके लिए क्या क्या चीज का वैल्यू हाई चाहिए बोलो। हाई कोर्सिविटी होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझे सबसे सर। पहले तो कोर्सिविटी की बात कर लेना, हाई कोर्सिविटी चाहिए, क्योंकि अगर हाई कोर्सिविटी रहेगा तो उस वो डीमैग्नेटाइज जल्दी नहीं होगा, है ना। हाई रिटेंटिविटी होना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन तो बोलोगे सर इस केस में तो सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी ज्यादा है, लेकिन हमें हाई कोर्सिविटी भी तो चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेंटिविटी को ही हाई देखना है, कोर्सिविटी को नहीं देखना है। हाँ। तो एक सुटेबल मटेरियल की हम लोग चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हिस्टेरेसिस लॉस का कोई नाम का चीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें कोई लूप वापस से रिवर्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया फिर इस डायरेक्शन में, डायपोल अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तुमने एक बार डायपोल को फिक्स करा दिया है ना इस डायरेक्शन में, किसी भी तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा और सारे डायपोल्स इस डायरेक्शन में अरेंज हो गए किसी भी तरीके से, और उसको छोड़ दिया तुमने अरेंज करके, और फिर जब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया तो ये अब डायपोल्स इसी तरीके से अरेंज्ड रह जाए, तो ये तुम्हारे डायरेक्शन फिक्स हो गए ना। इसका मतलब क्या कि इस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, और लाइफ टाइम के लिए तुमने ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट को कुछ वैल्यू दे दिया। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा, है ना, बार मैग्नेट जैसे बनाते हैं हम लोग। तो इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। जनरली प्रोसेस तुम्हें पता ही होगा क्या करते हैं, इसके अंदर सोलिनोइड की तरह इसको रैपिंग कर देते हैं और फिर इसको कॉइल को रैप करके फिर उसमें करंट फ्लो करा देते हैं और फिर इस तरीके से बनता है। और कभी कभी तुम्हें हॉर्सू मैग्नेट बनाना होता है, तो हॉर्सू मैग्नेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को इस तरीके से रैप करते हैं ऐसे करके, और फिर ऐसे करके पूरा ही, ठीक है, मतलब कि करंट इस तरीके से आएगा और फिर ऐसे से करते हुए निकल जाएगा। तो यहाँ पे तुमने करंट सोर्स लगा कर रखा है, और करंट का डायरेक्शन यही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण से कि एक बार सेटअप हो जाए, बिल्डअप हो जाए तो फिर आसानी से वो ना हटे। तो इस तरीके से परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। और अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूँ, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए क्या सबसे ज्यादा चाहिए, बताओ जल्दी।
क्या ज्यादा होना चाहिए, हमें तो क्या चाहिए। अगर कोई मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता हूँ तो मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट चाहिए जिसमें कि ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो, ताकि हमें ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिले, हाँ है ना। तो इसीलिए इसके लिए बेटर सॉफ्ट चॉइस क्या होगा, सॉफ्ट आयरन। आयरन सॉफ्ट आयरन विल बी बेटर देन स्टील, क्योंकि तुम एक एसी सोर्स उसमें डालोगे तो वापस ये जो डायपोल्स हैं कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, अपने डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, और हिस्टेरेसिस लॉस बहुत ही ज्यादा होगा। तो मेरा हिस्टेरेसिस लॉस क्या होना चाहिए, काफी कम। हिस्टेरेसिस लॉस शुड बी लेस, हिस्टेरेसिस लॉस बिल्कुल कम होना चाहिए, ताकि मटेरियल हमारा हीट ज्यादा ना हो। और क्या हो बोलो, इसका अंदर का जो म्यू हो वो ज्यादा हो, या फिर ससेप्टिबिलिटीज का ज्यादा हो। ससेप्टिबिलिटी किस बात को रिनोट करता है, कि जो मैग्नेट बनेगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। फॉर्मूला ऊपर देखा था, याद आ रहा है क्या? तो ससेप्टिबिलिटी हाँ सर ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल शुड बी हाई, या फिर म्यू ऑफ द मीडियम शुड बी हाई। अगर मीडियम का म्यू ज्यादा है तो ससेप्टिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम लोग जाय से रिप्रेजेंट किए थे, है ना। क्लियर है क्या? रिटेंटिविटी ज्यादा हाँ होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। सर क्योंकि जैसे ही मैं करंट को जीरो करूंगा तो ऐसा ना हो कि तुमने एक परमानेंट मैग्नेट बनाया, बराबर कैसे करते हैं, कॉइल को रैपिंग कर लेते हैं ना, इस तरीके से रैप कर दिया, और परमानेंट मैग्नेट बना, सॉरी टेम्पररी मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बना करके तुमने कार को उठाया, ये इस तरीके से किसी लोड को उठाया, और उसको नीचे रखने के लिए लिफ्ट करके हम लोग किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेके जाते हैं ना, इधर से तुमने लिफ्ट किया उधर लेकर के गया, और अब तुम्हें रखना है, तो तुमने क्या कर दिया, करंट जीरो, और करंट जीरो किया फिर भी ये बॉक्स इसके साथ चिपका रह गया, ये तो गलत बात है ना, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। तो इसीलिए इस मटेरियल का रिटेंटिविटी लो होना चाहिए, ताकि ये एक बार करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेट बना रहे, और जैसे ही करंट बंद करूं मैं तो ये अपना जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कर दे, जीरो के आसपास में आ जाए, ताकि अपना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप ना कर ले और वो अट्रैक्ट करके ना रहे। क्लियर है क्या? ये चीज आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग ट्रांसफार्मर देखते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है क्या कुछ? अधिकार बोलो डालो। कुछ नहीं पता है। मैग्नेट मैग्नेटिक चलो ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो ट्रांसफार्मर है हर एक अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग काम करता है। जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हो गया, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा करना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी। तो ये ज़रूरत पड़ा क्यों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों? क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं
तो तुम लोगों ने पोल्स वगैरह में लिखा हुआ पढ़ा होगा कि दिस इज 4400 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है इधर से, वेरी डेंजर। 2000 का सप्लाई जा रहा है वोल्ट का, वेरी डेंजर, बिल्कुल टच ना करें, आसपास तो बिल्कुल ना रहे। तो उतना हाई पावर का सप्लाई करता क्यों, जब पता ही कि इतना ज्यादा डेंजर है तो सप्लाई क्यों करता है 4000 का? अरे ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में तो आया होगा ना ये, इससे जो करंट फ्लो हाँ कर रहा हाँ है ना, लिखा होता डेंजर वाला साइन, कैसे होता है डेंजर ऐसा, और एक स्केलेटन बना होता है ना। हाँ सर हाँ डेंजर लिखा होता है, क्यों? क्योंकि फोर हाँ थाउजेंड फोर हंड्रेड वोल्ट का सप्लाई जा रहा है इससे, और इसको छुए तो गए काम से फिर। और वीडियो तुमने देखा ही होगा, एक ट्रेन पे चढ़ के किसी ने वायर को टच सर किया था, धुआं धुआं हो गया था हर एक जगह पे। तो जब इतना ही रिस्की है तो इतना हाई पावर, मतलब कि हाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, रीजन है उसके पूछे। अगर हम लोग लो पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे कहाँ से, जहां पे बिजली घर है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ और इस जगह से मैंने इलेक्ट्रिसिटी को भेजा, कहाँ पे भेजा, हाउस होल्ड पे। तो जब हम लोग घर पे भेजते हैं तो डायरेक्टली नहीं भेज देते हैं, दो ट्रांसफार्मर का यूज होता है, एक इस जगह पे ट्रांसफार्मर का यूज होता है और एक इस जगह पे ट्रांसफार्मर का यूज होता है। मोहल्ले में ट्रांसफार्मर तुमने देखा होगा, हालांकि ज्यादातर गांव में तुम्हें दिखेगा ट्रांसफार्मर वगैरह, सोसाइटी में तो ट्रांसफार्मर रेयरली ही तुम्हें दिखे। तो इस जगह पे लगाया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इस जगह पे लगाया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यार, वो एक इलेक्ट्रॉनिक लेके दूसरा क्या लेके, इलेक्ट्रिसिटी का हाउस। हाँ ये घर है ना, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग जगह है जहाँ पे अलग अलग मीन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बात ये हुआ कि अगर मैं बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर से फ्लो कराऊंगा, बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस का करंट को अगर फ्लो कराऊंगा इस वायर से, तो इसमें जो हीट का लॉस होगा डेट विल बी मच मच ह्यूज, बहुत ज्यादा होगा। सो हीट लॉस विल बी ग्रेटर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ज्यादा कर देता हूँ तो यहाँ पे जो लॉस होगा हीट का वो बहुत ही कम होगा, लॉस ऑफ हीट विल बी लेस। अब सोचो तुम्हारा जो करंट है वो बिजली जो है वो कहाँ से आती है, कहीं भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में तुम लोग तो देखते नहीं होगे कि बिजली घर है वहां पे, पावर। हाँ, पावर हाउस से आता, और पावर हाउस कहाँ पे होता है, या तो कहीं पे फैक्ट्री होगा या फिर कोल वाला, कोल के तरीके से, स्टीम के तरीके से, या फिर हाइड्रोलिक के तरीके से जनरेट करते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा दूर है, किलोमीटर्स ऑफ दूर है। तो वो किलोमीटर्स ऑफ दूर से तुम्हारे घर में बिजली आ रही है तो उतना लंबा वायर यूज करना पड़ेगा उसको तुम्हारे घर में बिजली भेजने के लिए, और इतने लंबे वायर में कितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। छोटा सा भी रेजिस्टेंस मैं बात करूँ, हालांकि गोल्ड और सिल्वर तो यूज करते नहीं है, एल्यूमिनियम यूज करते हैं ना, कंडक्टिंग है, हाँ लेकिन सर, इतना भी कंडक्टिंग तो नहीं है कि 2 3 10 किलोमीटर का वायर में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो सोचो हीटअप कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इसी चीज को कम करने के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज्यादा रखते हैं ताकि जो हीट में लॉस हो वो बहुत ही कम हो और आसानी से करंट हाँ फ्लो कर पाए। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो चीज है वो हम लोग एसी में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, वहां पे भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे हीट ऑप्टिमाइज किया गया इसमें है। अल्टरनेटिंग करंट एसी, इसका नेक्स्ट चैप्टर हाँ सर।
ना, तो बस अभी समझ लो कि हाँ ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम हुआ और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम हुआ। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ा देगा, और जब घर पे हमें बिजली मिलनी होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस को घटा देगा और हमें फिर 220 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा घर पे। और यहाँ से जो उतना भी सप्लाई होता है मैक्सिमम, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे जा रहा है। म्यूट कर लो एक बार सभी। तो ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ट्रांसफार्मर बनता कैसा, एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाता है, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, हालांकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसके सर्किट वगैरह होते हैं, एक जनरल थ्योरी दे रहा हूँ। इस तरफ से क्या जाता है, कॉयल को इस तरीके से रैप, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली इनपुट, दिस इज इनपुट। तो तुमने इस तरह से इनपुट डाला, इनपुट क्या डाला, पोटेंशियल डाला और करंट डाला तुमने, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक इस तरफ कॉइल को रैप कर लिया, इस तरफ कॉइल को रैप कर लिया। अब डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि कितना मैं रैपिंग करना चाहता हूँ। तो इधर से तुम्हें क्या निकलेगा, आउटपुट, इनपुट सप्लाई, और ये आउटपुट मुझे निकल गया, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनपुट और आउटपुट के हिसाब से, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। इसे मैं बोलूँगा प्राइमरी कॉइल और इसे बोलूँगा सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के लिए मैं वीपी यूज़ कर लेता हूँ और सेकेंडरी कॉइल के लिए वीएस यूज़ कर लेता हूँ। तो हुआ यूं कि तुमने जो करंट इस तरफ सेंड किया, ये करंट क्या करेगा, एक एसी सप्लाई है, तो करंट एसी होने के कारण से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे इंड्यूस होने वाला है, और मैग्नेटिक फील्ड लेट से इंड्यूस हो गया, कैसे भी इंड्यूस कर देता हूँ मैं। और ये इस तरीके से लूप के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट हो गया। ढेर सारे लूप होंगे, मैं एक ही बना रहा हूँ, नहीं तो ओवरलैप कर जाएंगे लूप मेरे। मान लो कि हाँ ये मैग्नेटिक, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण से आया, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसके कारण से आया। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के लिए, वो कभी बढ़ेगा वो कभी घटेगा, चेंज हो रहा है। और हमें पता है अगर कोई भी लूप के इनसाइड में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस लूप में क्या होता है, करंट इंड्यूस होगा। तो इधर से करंट इंड्यूस होने लगेगा, और इस करंट इंड्यूस होने के कारण से इस जगह पे तुम्हें एक आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल। तो चलो हम लोग एक कॉइल के, सिंगल कॉइल के कारण से जो फ्लक्स में चेंज है, उसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, डी फाई बाई डी टी और सिंगल लूप, एक लूप के कारण से डी फाइव बाई डी टी इतना है मैग्नीट्यूड। और इसके लिए मैं प्राइमरी नंबर ऑफ लूप्स एन पी ले लेता हूँ, और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ लूप्स हैं उसको मैं एन एस ले लेता हूँ, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने भी तुम टर्न्स लगा सकते हो, बराबर। तो अगर मैं वीपी को लिखना चाहूँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिखते हैं हम लोग, बोलो, डी फाइव बाई डी टी लिखते हैं। एक लूप के कारण से डी फाइव बाई डी टी सिर्फ डी फाइव बाई डी टी है, तो एनपी नंबर ऑफ लूप्स के लिए कितना हो जाएगा, एनपी डी फाइव बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू वीपी, और सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, एन एस डी फाइव बाई डी टी, और इन दोनों को डिवाइड कर लो। जब मैं डिवाइड करूंगा तो वी सॉरी वीपी अपॉन वीएस विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एनपी अपॉन एनएस। काफी एक सिंपल सा इक्वेशन निकल करके आया कि जो रेशियो होगा
पोटेंशियल डिफरेंस का प्राइमरी और सेकेंडरी में वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ लूप्स के बराबर। इसमें मैं सिंपल सा चीज बोल सकता हूँ कि अगर तुमने नंबर ऑफ लूप्स एन एस ज्यादा रखा तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा, और अगर तुमने नंबर ऑफ लूप्स एन पी का ज्यादा रखा तो वी पी ज्यादा हो। लिखता हूँ, इफ एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, अगर एन पी बड़ा है एन एस से तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वी पी इज ग्रेटर देन वी एस, इम्प्लाइज स्टेप अप है या स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप अप हुआ ना। एन पी मतलब प्राइमरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना है और सेकेंडरी का कम रखना है। सेकेंडरी मतलब घर पे जो है, ठीक है, और सेकेंड हमारा कि इफ एन पी इज लेस देन एन एस, स्टेप अप हुआ स्टेप डाउन। बोलो इसमें क्या हो जाएगा, वी एस विल बी ग्रेटर देन वी पी, हाँ सर, प्राइमरी का कम पोटेंशियल डिफरेंस और इस जगह पे ज्यादा हो गया, तो बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफर। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर जो है अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने के लिए और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पोटेंशियल डिफरेंस को घटाने के लिए। अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है और मुझे कम करना है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने यस यूज़ किया है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है और इस जगह पे स्टेप अप ट्रांसफर। अब इसमें एक और चीजें हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है अगर एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, लोग थोड़ी देर में उसको भी डिस्कस करेंगे। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर, देन वी कैन से डैट देन वी कैन से डैट अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तुमने जितना एनर्जी सप्लाई किया है उतना एनर्जी आउटपुट में मिलना चाहिए। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? ऐसा तो नहीं, एनर्जी तो कोई लॉस हो नहीं सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स अलग ज्यादा कम हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन एनर्जी लॉस नहीं हो सकता है, ये बात तो तय है। तो इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर, तो हम लोग बोल सकते हैं जो इनपुट पावर होगा, इनपुट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर। क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो पावर क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो जितना एनर्जी तुमने एक सेकंड में भेजा उतना ही बाहर निकला। और पावर क्या होता है, वी इंटू आई, तो वी ऑफ द प्राइमरी एंड आई ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू वी ऑफ द सेकेंडरी इंटू आई ऑफ द सेकेंडरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसे याद रखना है ये चीज, दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तुम्हें अगर इस जगह पे बोल दिया गया 220 वोल्ट सप्लाई दिया गया और इस जगह पे तुम निकाल रहे हो लेट से 440 वोल्ट का सप्लाई निकाल रहे हो, और इधर से अगर तुम्हारा करंट 2 एम्पियर है तो इधर कितना करंट होगा बता सकते हैं क्या?
कितना हो जाएगा बोलो? पावर सेम होना चाहिए, तो 220 × 2 इज इक्वल्स टू 440 × 5, अच्छा सो आई विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर, बराबर। अब आगे चलते हाँ हैं। सर, यस। अब ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन आया था एक बार, जिसमें कि एनर्जी के लॉसेस को भी काउंट किया था उसने। अब ट्रांसफार्मर के अंदर कैसा एनर्जी लॉस हो सकता है, हम तो कभी ऐसा सोचा नहीं। तो एनर्जी लॉस देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रीजन के कारण से ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी का लॉस होता है। पहला चीज तो हिस्टेरेसिस लॉस है। सॉफ्ट आयरन है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी क्या होगा, क्योंकि तुमने एक एसी सप्लाई दिया है इनपुट, एसी सोर्स दिया है, इनपुट दिया है, और इसमें करंट कभी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो कभी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अरे बंद कर सकेंगे। ओके, वापस से जॉइन करो। ओके, तो इस जगह पे पहला तो हिस्टेरेसिस लॉस है, तो फर्स्ट लॉस क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस में क्या है हमारा, बोलो। अभी बताया कि जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा वो कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो जैसे जैसे ये डायरेक्शन चेंज करेगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज अगर होगा तो अंदर जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो कभी इस डायरेक्शन में आएंगे, कभी इस डायरेक्शन में आएंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे, जिसके कारण से ये हीट प्रोड्यूस करेगा। तो पहला आ गया हमारा हिस्टेरेसिस लॉस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द, ये रीजन। एंड डी मैग्नेटाइजेशन ऑफ द पोल, इसमें हीटिंग हो। दूसरा हीटिंग जो होता है वो एडी करंट के कारण से होता है। और एडी करंट है क्या होता है, मैंने तुमको बताया था एक बार। सोचो कि ये जो आयरन कोर्स हैं कुछ इस फॉर्म में होंगे, एकदम थिन प्लेट तो नहीं होते हैं, ये इस टाइप के सिलेंड्रिकल होंगे, है ना। और ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें फ्लो कर रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं तो एक सर्कुलर लूप कंप्लीट कर लेगा, और जैसे ही लूप कंप्लीट कर लेगा उसके कारण से ये एनर्जी या फिर हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग एडी करंट बोलते हैं, जिसके कारण से एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस, और इस एनर्जी लॉस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आयरन कोर होते हैं, कट क्या बोल रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो। और इस एनर्जी लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कट कर लेते, स्ट्रिप्स के फॉर्म में
कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटे 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 स्ट्रिप्स बना लेते हैं। अगर तुम लोगों ने कभी ट्रांसफार्मर खोल करके देखा हो, छोटे ट्रांसफार्मर भी पहले आते थे, बड़े ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे ट्रांसफार्मर। तो ये थिन प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं और थिन प्लेट्स जो हैं इस तरीके से आपस में ज्वाइन कर दिए जाते हैं। तो थिन प्लेट होने से फ़ायदा क्या हुआ? थिन प्लेट होने से फ़ायदा ये हुआ कि अब वो सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगा, फिर एनर्जी का लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ सर, एनर्जी लॉस विल बी लेस और मिनिमाइज्ड। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद फिर क्या चीज है? लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नेक्स्ट इज लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ये? अभी तक हम लोग जो देख रहे थे कि जो हमने आयरन कोर रखा या फिर कोई भी कोर रखा, उसके अंदर फ्लक्स या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड दौड़ रहे थे काइंड ऑफ। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जितना मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे है, जितना मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ कुछ बाहर निकल जाता है, और कुछ अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मतलब कि एनर्जी का लॉस हुआ। सो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। ड्यू टू लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे डेट इज ड्यू टू द क्वाइल। अब क्योंकि क्वाइल हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस क्वाइल में भी कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, बराबर है? और हाँ सर, है ना, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कॉपर वगैरह यूज़ करते हैं और इसको हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। तो जो भी यूज़ किए जाते हैं उसमें कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसमें भी और कुछ मैकेनिकल के कारण से भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि यही सब हो, मैकेनिकल चीज़ों के कारण से भी लॉसेस होते हैं। ये टोटल चार तरह के मेन है बेसिकली, इससे ज़्यादा तो नहीं सिलेबस में, मैं काफ़ी आगे तक बता दिया। सो देर इज सम रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी कॉइल। सो देर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन इट। तो इतने तरह के लॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने चार तरह के लॉसेस बताए। अगर ये चार तरह के लॉसेस होंगे तो मुझे जो पावर मिलेगा वो पावर उतना नहीं मिलेगा जितना मैं सोच रहा था। इसका मैं एक डायग्राम बना करके बता देता हूँ तुम्हें कि तुमने कुछ इनपुट दिया, तुमने कुछ इनपुट दिया इस तरफ से, है ना, तो इनपुट पावर सप्लाई। पी एंड आई इनपुट पावर सप्लाई दिया तुम, और इनपुट जो सप्लाई दिया उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो विड्रॉ हो गया इन द फॉर्म ऑफ दीज फोर रीजंस, या फिर हीट के फॉर्म में इन चारों रीजन के कारण से। मैं एक एक रीजन इस जगह पे लिख देता हूं। तो एक तो था हमारा
कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, और क्या था हमारा, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, और क्या था हमारा, एडी करंट, एडी करंट के कारण से लॉस, और क्या था, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इतना एनर्जी का लॉस होने के बाद यहाँ पे पावर लॉस हो गया, और इतना ज्यादा लॉस होने के बाद अब मुझे आउटपुट पावर मिल रहा है, आउटपुट पावर V एंड I जो होगा वो सेकेंडरी कॉइल का और ये प्राइमरी। तो अब इसको एनर्जी कंजर्वेशन में किस तरीके से लिखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन ये सारे जो एनर्जीज हैं वो पर यूनिट टाइम गिवेन है, लेट से दिस एनर्जीज आर गिवेन ए बी सी एंड डी, ये सब कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा, ध्यान से देख लेना, ए बी सी एंड डी आर द एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम, एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम। और जेई में ऐसा क्वेश्चन भी आ गया था कि जरूरी नहीं कि चारों रीजन के कारण से एनर्जी लॉस तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो, हो सकता है सिर्फ दो एनर्जी लॉस दे दिया गया हो, तो बाकी सी और डी को तुम एज्यूम कर सकते हो कि जीरो है। अब एनर्जी कंजर्वेशन किया मैंने इस जगह पे, तो एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो इनपुट पावर सप्लाई मिला है वो किसके बराबर होगा, आउटपुट पावर सप्लाई प्लस दीज एनर्जीज लॉसेस, तो वीपी इंटू आईपी विल बी इक्वल्स टू वीएस इंटू आईएस प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दीज आर द लॉसेस। तो ये इक्वेशन लगा करके हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया ट्रांसफार्मर, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। होमवर्क लिख लो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी वैसे खत्म हो गया। चैप्टर हो गया। अच्छा हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया, खुश हो जाओ। ठीक है यस सर। सर हाँ बोलो। सो विस्कोसिटी का करेंगे, विस्कोसिटी। हाँ उसके बारे में भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, होमवर्क लिख लो, एक डीपीपी कर लेना, दो डीपीपी कर लो, एक ही डीपीपी कर लो, 31, 31। हाँ एक डीपीपी कर लो। और अब तो ईएमआई तुम एक्सरसाइज वन सर कम, एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू पार्ट वन कंप्लीट कर लेना। पार्ट वन सर। हाँ एक्सरसाइज वन एंड थ्री तो कंप्लीट हो ही चुका है ना। हाँ एक्सरसाइज टू का पार्ट टू तो आज डिस्कशन हो रहा सर, हाँ पार्ट टू एंड डिस्कशन हो रहा पूरा नहीं सर, हुआ ना। ईएमएफ का एक्सरसाइज टू बाकी है। अच्छा तो ईएमएफ भी कर लेना, एक्सरसाइज टू जो भी बचा हुआ है पार्ट वन ना कंप्लीट, इसको हम एक्सरसाइज लोग टू का नेक्स्ट, पार्ट वन करते हैं सर। हाँ इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पार्ट टू लेते हैं। सर, हाँ  पार्ट हाँ